अब आ गए हैं आपके बीच रॉयल इवेंट एंड डेकोरेशन आपके शहर सिलवास में। तो देर किस बात की, डेकोरेशन को करवाने के लिए अभी कांटेक्ट करें रॉयल इवेंट एंड डेकोर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। आमली रोड पर सौभाग्य इन होटल के सामने स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में कार घुस गई। कार चालक की लापरवाही ने पहले एक साइकिल ठोका, फिर एक स्कूटी को कुचलते हुए एसबीआई के एटीएम में घुस गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है और एक व्यक्ति को मामूली सी चोटें आई हैं। रामकरण वर्मा नामक व्यक्ति जो कि एसबीआई बैंक में चालान भरने आया था, चालान भर जाने के बाद अपनी कार स्टार्ट की और रिवर्स लेने के बजाय सीधा आगे एटीएम में घुस गया। साइकिल सवार व्यक्ति को सिलवासा के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। घटना स्थल पर 112 की टीम और पिपरिया पुलिस आउटपोस्ट की टीम पहुंचकर कार चालक से पूछताछ कर रही हैं। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें, धन्यवाद। यह हादसा खबर कैसे हुआ? अभी बैंक में आया था यहाँ चालान भरने, गाड़ी बैग लेने लगा, बैग की जगह वो क्या है हो गया, ऐसे क्या है डायरेक्ट किधर। आपकी गाड़ी तो सीधे राइट साइड चल रही है, सीधे सीधे आगे, और रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड मतलब जैसे पार्किंग किया था ना, उसको बैग ले रहा था, बैग ले रहा था, हाँ चालान भरने आया था, तो उसका क्या है लेके जा रहा था, फिर यहाँ नहीं भरा गया तो जा रहा था किलोनी। इसमें किसी कुछ लगा नहीं, एक आदमी को लगा है, एक आदमी को लगा है और एटीएम गेट तोड़ के गाड़ी अंदर चली गई है। आपका पूरा नाम? रामकरण वर्मा।